गट्टे की सब्जी एक ऐसी सब्जी है जो शायद ही कोई होगा जिसको गट्टे की सब्जी पसंद ना हो, लेकिन आज बनाएंगे गट्टे की सब्जी बिल्कुल नए तरीके से। मारवाड़ी गट्टे की सब्जी जिसे हम मेथी के साथ बनाएंगे। अब सर्दियां आ चुकी हैं तो मेथी की नई नई रेसिपी तो बनेंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। वो तो वैसे शुरू हो ही चुकी है। एक कप बेसन लेंगे, थोड़े से बेसिक मसाले डालेंगे। मैंने डाला धनिया पाउडर, अजवाइन, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, नमक डाल दिया और थोड़ा सा जीरा डाल दिया और खूब सारी बारीक कटी हुई हरी मेथी डाल दी। ये 100 ग्राम के लगभग मेथी है। 2 चम्मच हम इसके अंदर दही डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। उससे पहले डाल देंगे 2 टीस्पून के लगभग ऑयल। इससे क्या होगा, हमें सोडा डालने की ज़रूरत नहीं। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और एक चिपचिपा सा डो तैयार होगा। ये इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि मेथी अपना पानी रिलीज करेगी नमक डालने के बाद, और दही भी हमने डाला है, ऑयल भी डाला है, तो इसलिए हमें पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर आपको ज़रूरत पड़े भी तो चम्मच से 1 या 2 चम्मच पानी डालिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और डोए को रेस्ट करने रख देंगे। इतनी देर इसका तड़का तैयार कर लेंगे। कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच ऑयल लिया है, 2-3 हरी मिर्चें डाल दी और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल दिया, 8-10 कलियां लहसुन की डाल दी। और जब अच्छे से जब हल्का सा ये ब्राउन होने लगेंगे तो एक प्याज जो है उसे रफली चॉप करके डाल देंगे, क्योंकि हमें इस मसाले को पीसना है तो इसलिए हमें इसे बहुत ज़्यादा जो है बारीक पीसने की ज़रूरत, बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसमें 2 टमाटर डाल दिए और 1/2 चम्मच नमक, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे और हल्का सा पानी डाल के बिल्कुल 1/4 कप ढककर रख देंगे। 3-4 मिनट के अंदर टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। इतनी देर वीडियो थोड़ी स्किप हो गई, जैसे कि मेरी पुरानी आदत है। मैंने लिया 2 चम्मच दही, उसके अंदर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और हल्दी डालना मैं भूल गई, तो हल्दी अब डाल दूंगी। अब हल्दी डाल दी तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा बहुत बढ़िया गट्टे की सब्जी के लिए, देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा दही का मसाला बनके तैयार है। 2 फायदे होंगे, एक तो गट्टे की सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी दही के कारण, और उसके अलावा दही फटेगा नहीं। इतनी देर मसाला जो है वो अच्छे से, ये देखिए टमाटर बिल्कुल गल गए हैं। बस अब कढ़ाई को खाली करेंगे और ढककर रख देंगे। ठंडा होने के बाद अच्छे से पीस लेंगे। इतनी देर जो गट्टे का डो था उसने रेस्ट कर लिया। आज हम इन गट्टों को उबालेंगे नहीं, बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे भाप में पकाकर। बहुत अच्छे बनेंगे, एकदम नरम मुलायम सॉफ्ट गट्टे की सब्जी बनेगी। अभी मैं आपको खुद प्रूफ के तौर पर दिखाऊंगी भी। वीडियो तो आपको पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, वरना मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा कैसे। बस इस तरह से ये देखिए सारे हमारे गट्टे बनके तैयार है। और ये जो बाउल है ना, इसको भी हमारे अंदर थोड़ा बहुत बेसन लगा है, फेंकना नहीं है, इसमें पानी भर के रख देंगे तो वो हमें तरी में डालने के काम आएगा। अब कढ़ाई में वापस से 1 चम्मच ऑयल डाला है, 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग, 1 कड़ी पत्ता डाल दिया, 1 छोटी इलायची और 1-2 लौंग डाल देंगे। और जो दही का मसाला था उसको पलट देंगे, अच्छे से लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक दही में से ऑयल रिलीज ना हो जाए। उसके बाद 50 ग्राम के लगभग मेथी और डाल देंगे, क्योंकि हम मेथी वाले गट्टे बना रहे हैं तो इस तरह से मेथी ना तो कड़वी लगेगी, और मेथी आपको पता ही है सर्दियों में कितनी अच्छी आती है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी होती है। अब जो हमने मसाला बनाया था उसको मैंने अच्छे से पीस लिया, वो भुना तो अच्छे से था ही, तो बस उसको भी इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके चलाते रहेंगे। अब हमारी सब्जी की आधी से ज़्यादा तैयारी हो गई। इस तरह की गट्टे की सब्जी बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने गट्टों को तो उबाला ही नहीं। और जैसे ही पानी के अंदर इसको ढककर रख देंगे और इसके अंदर से ऑयल आने का इंतज़ार करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से मसाला हमारा भुन गया है। सब्जी का मज़ा जब ही आता है जब मसाला अच्छे से भुन जाए और बिल्कुल उसके अंदर से ऑयल रिलीज हो जाए, तो इसका मतलब मसाला अच्छे से भुन गया है। मैंने अभी इसमें थोड़ी कसर लग रही है तो मैं इसे अभी और लगातार हाई फ्लेम के ऊपर भून रही हूँ। इस समय मसाला बिल्कुल अच्छे से भुनना ज़रूरी है, वरना सब्जी का अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अब मसाला अच्छे से भुन चुका है तो मैंने 2 गिलास के लगभग पानी जो है उसी बाउल में जिसमें हमने गट्टे बनाए थे डाल दिया था, ताकि थोड़ा बहुत जो बेसन है ना वेस्ट नहीं होगा, सारा इसी के अंदर आ जाएगा। ये तरी को थोड़ा सा गाढ़ा करने का काम भी करेगा। और जैसे ही इसके अंदर अब उबाल आना शुरू होगा तो हम अपनी गट्टे वाली जो जाली है वो इसके ऊपर रख देंगे और एक प्लेट से ढक देंगे। 10 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 10 मिनट के अंदर हमारे गट्टे अच्छे से, ये देखिए स्टीम के अंदर क्या लाजवाब गट्टे जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, पक गए हैं, और इतनी देर नीचे तड़का भी अच्छे से तैयार हो गया है। तो हमने 2-in-1 काम कर लिया। अब इसको हम ढककर रख देंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और गट्टों को हम एक प्लेट में निकालेंगे।
उसके बाद इन्हें चाकू से मीडियम साइज का कट कर लेंगे। वैसे साइज आप थोड़ा बड़ा या छोटा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा छोटा साइज करने से वो सब्जी में घुलने का डर है, और बड़ा साइज करेंगे तो गट्टे सॉफ्ट नहीं बनेंगे। ये देखिए गट्टे कितने सॉफ्ट बने, बिल्कुल ब्रेड स्लाइस की तरह बड़े आराम से कट रहे हैं। इसका मतलब हमारी सब्जी भी देखने से ही पता लग रहा है बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। ये देखिए अगर गट्टे सॉफ्ट ना होते तो इतने आराम से ना कटते। इतनी देर जो लो फ्लेम के ऊपर मसाला अच्छे से बॉयल हो रहा था ना, वो ये देखिए कितना अच्छा, ये जो हमने उसके अंदर बेसन वाला पानी डाला था ना, उससे इसके अंदर तरी बहुत गाढ़ी बनी है। और मैंने थोड़ा सब्जी में ऑयल कम डाला है, आपको ज़रूरत लगी तो आप इसमें ऊपर से देसी घी का तड़का लगा लीजिएगा। मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मुझे इसी तरह से सब्जी पसंद है। आप चाहें तो इसमें देसी घी और कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का ऊपर से लगा सकते हैं। बस ढककर इसको 2-4 मिनट के लिए पका लेंगे। और थोड़ी सी कसूरी मेथी, ज़रूरत नहीं है, डालनी हो तो डाल दें, क्यों, क्योंकि हमने मेथी की सब्जी बनाई है तो कसूरी मेथी की ज़रूरत है ही नहीं। ऑटोमेटिकली बहुत सॉफ्ट, और ये देखिए कितने टेस्टी हमारी गट्टे की सब्जी बनकर तैयार हुई है। उम्मीद है आप सबको रेसिपी तो पसंद आई गई होगी। तो जाइए ना प्लीज़ जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मैं आपको एक गट्टा कट करके दिखाती हूँ कितने आराम से कट हो रहा है, और ये देखिए अंदर तक मसाला कितना अच्छे से गया हुआ है, यानी बहुत अच्छी सब्जी बनी है। तो चलिए बाय, फिर मिलेंगे कल।